सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई से सटे उल्हासनगर में हल ही में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी द्वारा उल्हासनगर शहर की धोखादायक इमारतों को लेकर नागपुर अधिवेशन में इमारत रेगुलराइजेशन करने को लेकर दंड राशि 200 रुपए फूट की घोषणा की थी, वहीं मनपा के नगर रचनाकार द्वारा पत्रकार परिषद में जो रेगुलेशन करने की फीस 2200 रुपए बताई, जिसको लेकर शहर के लोगों में भ्रमित की स्थिति बन गई थी, वहीं इस पर खुलासा करते हुए आज उल्हासनगर महानगर पालिका के टाउन प्लानर प्रकाश मुले ने इस पर पत्रकारों को जानकारी दी। आइए जानते हैं मुले ने क्या बताया, पत्रकारों को सुनते हैं उनकी यही जुबानी। तीन बातें आती है, रेगुलेशन होने वाली प्रॉपर्टी में तीन केसेस अपन नॉर्मली में पाए जाते हैं, जिसमें मेरी खुद की प्रॉपर्टी है और मैंने उसको मंजूर परमिशन लिया है और परमिशन को छोड़ के मैंने कुछ ज़्यादा काम किया है। दूसरी केस आती है कि मेरी प्रॉपर्टी है टोटल, मगर मैंने टोटल प्रॉपर्टी पे विदाउट परमिशन काम किया है। और तीसरा केस आता है कि मेरे प्रॉपर्टी में कुछ भागशाह या पूरी गवर्नमेंट लैंड है, उसमें मेरी ओनरशिप नहीं है और उस पर मैंने बिल्डिंग बनाया। अभी रेगुलेशन एक्ट इसमें इन तीनों में फ़र्क नहीं करता है, फ़र्क अलग प्रोसीजर में आता है कि जो मेरी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर मैंने परमिशन लिया है और उससे परमिशन से ज़्यादा या मैंने बनाया है, तो वो केस में मैंने जितना एरिया परमिशन से ज़्यादा बनाया है उसके ऊपर आपको 200 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से चार्ज लगेगा। जो मेरी प्रॉपर्टी खुद की है मगर मैंने परमिशन नहीं लिया और मैंने बिल्डिंग बना दिया, तो उसको 6.4 लिमिट तक, FSI की लिमिट तक आपको टोटल एरिया पे 200 रुपये स्क्वायर फुट टोटल बिल्टअप एरिया पे जो आपने बांधा हुआ है उसके ऊपर 600 रुपये से लगेगा। अब ये जो दो केसेस होते हैं इसमें वो 200 रुपये छोड़ के कोई भी शुल्क नहीं भरना होता है, मतलब सीएम साहब ने जो कहा है कि 200 रुपये के ऊपर नहीं भरना पड़ेगा ये सच है। अब तीसरी केस एक ऐसी है उल्हासनगर शहर में कि उल्हासनगर शहर में मैक्सिमम जमीन गवर्नमेंट की है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि खुद की प्रॉपर्टी कुछ ये है उसके साथ में उन्होंने गवर्नमेंट लैंड लेते हैं और उसके ऊपर स्ट्रक्चर बना देते हैं या कुछ टोटल गवर्नमेंट लैंड पर स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब वो केस में उनको अगर स्ट्रक्चर लीगलाइज किया तो भी उसकी जमीन जब तक उसकी होती नहीं तब तक वो बिल्डिंग वो स्ट्रक्चर इलीगली माना जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट लैंड उसने जितना एरिया लिया है वो एरिया का गवर्नमेंट की जो डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट लैंड रूल्स 1954 महाराष्ट्र गवर्नमेंट लैंड डिस्पोजल रूल्स, इसको जो उसके हिसाब से उसको जो कीमत लेनी है उसको ऑक्यूपेंसी प्राइस बोलते हैं वो लेने का अधिकार महसूल विभाग को है। और एक्ट में पिछले एक्ट में 2006 के एक्ट में भी ये प्रोविजन था कि वैसी जो गवर्नमेंट लैंड किसी ने अगर ऑक्यूपाई की हो तो उसके ऊपर जो पैसा भरना पड़ेगा वो कंपाउंडिंग चार्जेस से अलग रहेगा, वही प्रोविजन करंट एक्ट में कायम रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 200 रुपये छोड़ के अलग कुछ गवर्नमेंट ने अभी टैक्स लगाया, ऐसा नहीं है। अभी कुछ गलतफहमी लोगों के कल के स्टेटमेंट में ऐसा हुई लगती है कि 200 रुपये में जो गवर्नमेंट लैंड रहेंगे तो उसका भी पैसा, तो ये अगर हम लोग नेचुरली माना जाए तो जो ईमानदार आदमी करंट एक्ट में कायम रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 200 रुपये छोड़ के अलग कुछ गवर्नमेंट ने अभी टैक्स लगाया, ऐसा नहीं है। अभी कुछ गलतफहमी लोगों के कल के स्टेटमेंट में ऐसा हुई लगती है कि 200 रुपये में जो गवर्नमेंट लैंड रहेंगे तो उसका भी पैसा, तो ये अगर हम लोग नेचुरली माना जाए तो जो ईमानदार आदमी है जिसने खुद की प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग बनाता है और जो आदमी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी लेके उसके ऊपर बिल्डिंग बनाता है तो दोनों में फ़र्क करना ज़रूरी है। क्योंकि जो आदमी मेरी खुद की प्रॉपर्टी और मेरे उस समय ने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें इलीगल आया तो मैंने मेरे को जो 200 रुपये कंपाउंडिंग चार्ज लगेगा उसके ऊपर मुझे एक पैसा नहीं लगेगा। ऐसे केसेस मेरे ख्याल से 60 से 70% रहेंगे। अब 30% ऐसा रहेंगे कि कुछ तो गवर्नमेंट लैंड है या टोटल गवर्नमेंट लैंड है, अब वो केस में गवर्नमेंट का पैसा दोनों को भरना ज़रूरी है। अच्छा, ये जो प्रोविज़न है ये आज की नहीं है, अपना एक्ट 2006 का है, तो गवर्नमेंट महाराष्ट्र डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट लैंड रूल 1954 के है, तो 1954 से गवर्नमेंट लैंड अगर आप ऑक्यूपाई करते हो तो उसके ऊपर चार्जेस भर के लेने का प्रोविज़न है, वो प्रोविज़न इसके पैरेलल चलता है। तो ऐसा नहीं है कि 200 रुपये में वो इंक्लूड करेंगे, अगर वो करेंगे तो जो आदमी ईमानदारी से अपने प्रॉपर्टी पर बनवाता है उसके ऊपर इनजस्टिस होगा कि भाई मैं खुद गवर्नमेंट लैंड यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को भी 2200 में समाविष्ट करो,
और मेरी कुछ जो आदमी दूसरा मेरा पड़ोसी है उसका पूरा बिल्डिंग प्रॉपर्टी उसका खुद का है और उसने इलीगल कर दिया तो उसको भी 2200, फिर उसको तो एक्चुअली 2200 में से कम करना चाहिए। तो 200 रुपये स्क्वायर फुट जो सीएम साहब का कहना है वो उसके बारे में जिसकी प्रॉपर्टी खुद की अपनी है उसके ऊपर जितना एरिया उसने इलीगल बनाया उसके ऊपर 200 रुपये स्क्वायर फुट लगना है। जो प्रॉपर्टी टोटल गवर्नमेंट की है या पार्टली गवर्नमेंट की उसने यूज़ किया है वो प्रॉपर्टी पे जितना एरिया उसने गवर्नमेंट से लिया है उसका कीमत उसको भरना ज़रूरी है। तो इसमें इलीगल या गलत कुछ है नहीं, सीएम साहब ने कुछ गलत बोलेंगे ऐसा भी नहीं हो सकता। तो शायद कल मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसमें यह बात रह गई हो या किसी के नज़र नहीं आई हो, इसलिए मैं स्पेशली आपको बताना चाहूँगा कि ये जो गलत फहमियाँ हो रही है ये ऐसा मत करें। सीएम साहब ने कुछ भी गलत नहीं बताया है, मगर आपको कहीं ना कहीं तो फ़र्क करना पड़ेगा जो आदमी ईमानदारी से अपनी प्रॉपर्टी पे कुछ काम करता है और जो आदमी टोटल गवर्नमेंट लैंड पे करता है। तो उसको दो केस को दो रूल तो रहेंगे ही रहेंगे, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई दोनों को एक ही पार्टी में डालो, तो फिर जो आदमी ईमानदारी से अपने करता है तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ये ऐसी बात है।